हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू शिक्षित कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्स फॉर द ई एग्जाम और उसके लिए ही आई ब्रिंग यू दीज वर्ड्स जिनमें हम ना कि सिर्फ़ और सिर्फ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रहे हैं उनके मीनिंग्स उनका यूज़ एंड अपनी वोकेबलरीरी साथ साथ इनक्रीज कर रहे हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन केयरफुली दीज वर्ड्स एंड इम्प्लीमेंट दैम मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स इसी करके लेके आ रही हूँ ताकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम हो ताकि आप उसको लर्न कर सकें एंड उसको सोक कर सकें

तो अपनी खुली विल से अगर कोई भी ट्रीटी साइन हो रही है कंट्रैक्ट साइन हो रहा है एग्रीमेंट साइन हो रहा है पार्टनरशिप बन रही है दैट इज एंड इट इज ऑफिशियली वैलिड ये ज्यादातर वर्ड हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग सम लॉज पार्लियामेंट में लॉ वगैरह जितने भी पास हो रहे होते हैं क्योंकि वो बहुमत से पास होते हैं तो वो रेटिफाई होते हैं क्योंकि सब उन पर हाँ बोलते हैं अपनी खुली विश से अपना कंसेंट देते हैं हाँ बोलते हैं उसके बाद वो ऑफिशियली वैलिड होते हैं ओके okay. रेटिफाई का मतलब होता है किसी भी एक कंट्रैक्ट को या फिर एग्रीमेंट को हाँ बोलना एंड उसको ऑफिशियली वैलिड करवा देना वोटिंग सिस्टम भी इसी चीज पे चलता है सो so, इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं टू अप्रूव कंफर्म सैंक्शन एंटोनिम्स में आ गया अबॉलिश डिनाई डिसअप्रूव अबॉलिश का मतलब होता है खंडित करना किसी भी चीज को लाइक अभी अमेरिका में क्या हो रहा है इज लाइक उधर के जो लोकल लोग हैं दे आर देयर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ देयर ओन इशूज देख लेते हैं ऑल द मेंबर्स हैव वोटेड टू रेटिफाई द ट्रीटी लाइक ऑल द मेंबर्स किसी भी एक संस्था का जितने भी मेंबर्स हैं ए टू जेड सब ने बोला है अ ट्रीटी दैट हैज टू बी साइंड ओके सो नेक्स्ट वर्ड इज Perpetuate. Perpetuate word comes from perpetual, जिसका मतलब होता है a thing that feels never-ending, जो कि change ना हो बार-बार, जो कि अक्कर करती है repeatedly बार-बार बार-बार होने लगती है. Like for example हमारा day or night का scenario, okay? And a thing which is so frequent that feels कि वो है ही, like that is the nature of that thing, okay? and that the thing which goes on uninterrupted as well so इसका पहले meaning read कर लेते हैं make continual make something continue indefinitely to cause something to continue to cause something to continue maine isliye yahan pe liya hai when we talk about government or we talk about any business agar koi insaan jo ki jisne start bhi kara ho wo wala business agar wo mar bhi jaye so we just put someone on his position and us wali cheez ko hum continue karte rehte hain

प्रिवेंट यूज इन सेंटेंस हम देख लेते हैं दीज एक्शन विल प्रपैचुएट दी हॉस्टैलिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स प्रोपैचुएशन का मतलब होता है जो चीज बार 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 चले जा रही है लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जो अमेरिका में हो रहा है ब्लैक लाइक मैटर का जो इतना बड़ा इशू uh, आया है क्यों आया है बिकॉज फ्रॉम मेनी ईयर्स डीज पीपल जो की अशुए थे जो कि जिनको ब्लैक बोला जाता है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ गलत बिहेव करे जा रहे थे वो लोग एंड नाउ इट वॉज सो फ्रीक्वेंट वॉज दैट बिकेम लाइक होता है ना हॉस्टैलिटी उनकी तरफ उनकी नफरत बढ़ती गई इस वाली चीज की वजह से लाइक विदाउट एनी रीजन अगर आप उन, उनको मारे जा रहे हो पता नहीं क्यों एंड तो फिर उनके बीच में उनके अंदर आपके लिए हेटरेट तो बनेगा ही सो so, नेक्स्ट वर्ड इज टाइट फिस्टेड टाइट फिस्टेड का मतलब मोटा मोटा मैं यही बोल सकती हूँ मतलब होता है कोई इंसान है जिसको होर्ड करने में मतलब कि इकट्ठा करने में बड़ा अच्छा लगता है पैसा इकट्ठा कर करके रखने में मजा आता है होर्डर्स बोलते हैं ना जिनको जो कि हर एक कोई भी चीज जो है किसी रैपर से लेकर कोई पुराने कपड़े हैं उनको अपने पास रखता रहता है होर्डर का मतलब ये होता है सो so, इसका सिनोनिम देख लेते हैं मीन मिजली पर्सीमोनियस परसिमोनियस का मतलब होता है एक इंसान जो है वो अनविलिंग टू स्पेंड जरा से भी मनी बहुत ही ज्यादा निगर्डली का भी मतलब ये है क्लोज फेस्टेड पैनी पिचिंग पैनी पिचिंग मतलब एक एक अपना मतलब कि सिक्का इकट्ठा कर करके रखे जाना और एंटोनिज आ गया जेनरस लिबरल म्यूनिफिस्ट एक्स्ट्राविगेंट ओके एक्स्ट्रावेगेंट इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स्ट्राविगेंट पीपल आर दो जो कि मतलब कि बहुत शो ऑफ करते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइक like, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा से मैंटेन करके रखते हैं एक्स्ट्राविगेंटली ओके जेनरस का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे छबील लगती हैं लोग बहुत ज़्यादा जेनरस है दैट्स वाई आई डू दैट अपना पैसा लगा के लोगों को गर्मी है इसलिए पानी पिलाते हैं लाइक like, अभी तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ करोना ओके यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं हिज टाइट एम्प्लॉयर अनविलिंग टू गिव हिम अ रेस अब जैसे मेरा एम्प्लॉयर है वो बहुत ज्यादा टाइट फिस्टेड है और मैंने बोला कि मुझे रेस दे दो तो उसने नहीं दी सो ही इज कंजूस सो आ नेक्स्ट वर्ड इज आयरिकली आयरिकली मीन्स सरकेजम यूज करके किसी भी चीज को एक्सप्रेस uh, करना ठीक है वर्बली भी हम कर सकते हैं आयरनी अपनी एक्सप्रेस एंड रिटर्न भी कर सकते हैं वर्बली कैसे कर सकते हैं अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बोलता है बहुत ही ज्यादा बोलता है एंड वो बात बात में ऐसे एंड दूसरा इंसान उसका मजाक उड़ाते बोलते दे, तो बोलता ही नहीं सो इट इज आयरनी इट इज sarcasm, इट इज फनी एज वेल एंड कभी कभार पेनफुल uh, situations में भी आयरनी दिख सकती है लाइक like, कोई इंसान बहुत ही ज्यादा निर्दयी है ही इज वेरी लाइक रूड इंसान ठीक है वो ही इज नॉट गुड गुड विद एनिमल्स ही इज नॉट गुड विद पीपल एंड वेन ही डाइज बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स लाइक उसका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड वेरी ब्रूटली तो फिर uh, तो फिर इट इज ऑल्सो आयरॉनिक ये भी एक आयरन ही थी दैट कि ही ऑल्सो डाइड द सर्टेन वे दैट ही ट्रीटेड एवरीबडी ओके इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं यूज इन रेफरेंस टू अ सेंसलेस अनएक्सपेक्टेड और को इंसिडेंटल सिचुएशन को इंसिडेंटल जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जाम्पल दिया उस वाले में हम यूज़ कर सकते हैं आयरनी का मतलब भी एक बार पढ़ लेते हैं बिकॉज द वर्ड हैज बिन डिराइव फ्रॉम द आयरॉनिकली हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द वर्ड आयरनी द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ंड मीनिंग बाई यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट टिपिकल फॉर ह्यूमरस और एम्पथी इफेक्ट ओके एम्पैथिक इफेक्ट इसको और जैसे समझने के लिए आई हैव यूज दीज इमेज लाइक फर्स्ट इमेज हम देखेंगे तो फिर इसमें पत्थर है जिसमें लिखा हुआ है नथिंग इज रिटन इन स्टोन बट उनने स्टोन के ऊपर ही लिख के जताने की कोशिश कर दी या फिर दे आर प्लीडिंग पीपल टू नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन स्टोन सेकेंड इमेज देखा तो फिर थैंक यू फॉर ड्राइविंग केयरफुली एंड पीछे क्या हुआ है पीछे एक गाड़ी अपने आप ही पहले ही गिरी हुई है एंड थर्ड इज़ माई फेवरेट वन आई हेट थिंग्स आई हेट इंसान ने लिखा है वेंडलिज्म वैंडलिज्म का मतलब होता है किसी की भी प्रॉपर्टी पे जाके या मेरी प्रॉपर्टी जो नहीं है उस पर जाके उसको छेड़खानी करना लाइक like आप लोगों ने ग्राफिटी वगैरह देखी होंगी दैट इज़ ऑल्सो वैंडलिज्म ये जो इसने करा है इट इज़ ऑल्सो वैंडलिज्म लाइक किसी की भी प्रॉपर्टी पे जाके पेंट से लिख देना इट इज़ वैंडलिज्म आयरनी क्योंकि ये वाली चीज़ आयरनिक पूरा का पूरा सैनैरी है इट इज़ आयरॉनिक एंड तीसरी चीज़ जो उसको पसंद नहीं है दैट इज़ लिस्ट एंड इसने लिस्ट ही बनाई है सो so, इसके हम देख लेते हैं सोनोनिम एंड में आ जाएगा सार्कास्टिकली अ इलॉजिकली एब्सर्डली एब्सर्ड का मतलब हमने अपनी पहली वीडियो में करा हुआ है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंड एंटोनिम्स में आ जाएगा सिंसियरली जेन्युइनली ऑडेंटली ओके यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं आयरोनिकली वन कैन रजिस्टर फॉर द मैथ क्लास ओनली बाय फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फ्रॉम ऑनलाइन ओके ओके हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया इनकेपेसिएटेड इनकेपेसिएटेड का मतलब है कोई इंसान जो कि एक चीज को करने के लिए सक्षम ही नहीं है इनकेपेबल है ही कान डू दैट वर्क शायद से ही इज़ नॉट फिजिकली एप्ट फॉर दैट वर्क ही इज़ नॉट मेंट टू डू दैट वर्क और उसकी सिचुएशन वैसी नहीं है कि ही कैन डू अगर मेरा लैपटॉप ही काम नहीं कर रहा है मैं ये वीडियोस कैसे बनाऊंगी देन आई एम इनकेपिसिएटेड ओके एंड अगर mm, मैं एबसेंट माइंडेड हूँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा है देन ऑल्सो आई एम इनकेपिसिएटेड या फिजिकली आई एम वेरी वीक दैट टाइम तो मैं नहीं कर पा रही हूँ कोई एक एक टास्क अगर मुझे कोई बोले दैट कि जाओ गाड़ी का टायर चेंज करो एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड तो आई एम इनकेपेसिटेड इन दैट मैटर ओके okay, इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं पहले डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ और पावर ठीक है किसी भी एक चीज को करने के लिए अगर मेरे में स्ट्रेंथ और पावर नहीं है देन आई एम और डेबिलियेटेड डेबिलियटेड का मतलब होता है इन अ वेरी वीकेंड एंड इनफर्म स्टेट डेबिलियटेड का मतलब होता है कोई भी चीज को करने से पहले अगर मैं अपने आप को देखूं एंड मैं बहुत वीक हूं मैं फर्म नहीं हूं मैं उस वाली चीज को कर ही नहीं पाऊंगी ओके इनफर्म का मतलब होता है जो कि ठोस ना हो

यूज इन सेंटेंस दिख लेते हैं ही वॉज इनकेटेड बाई बल अर्यर बट किसी भी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं मे बी ही वॉज अ फार्मर पहले एंड नाउ बिकॉज ऑफ ओल्ड एज ही इज इनकेटेड टू डू द फार्मिंग सो द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज इराटे इराटेक का मतलब होता है अ थिंक दैट इज लैकिंग अ फिक्स कोर्स कोई भी चीज है विच इज अनप्रडिक्टेबल अ थिंक दैट इज सिस्टेंट ओके अगर मैं किसी इंसान की बात करूं अगर मैं बोलूटन इज हैविंग अराटिक बिहेवियर देन आई विल इम्पोजिंग कि वो कभी खुश हो रहा है कभी दुखी हो रहा है अगर मैं मौसम की बात करूं दैट द वेदर इज अरेटिक तो मैं ये बोल रही हूं कि कभी भी चेंज हो जा रहा है ओके सो इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मोमेंट अनप्रडिक्टेबल किसी भी वे में अगर कोई भी चीज़ एकदम से चेंज हो जा रही है जो कि रेगुलरली रेगुलर पैटर्न से चेंज है देन वी कैन से इट इज रैटिक ओके लाइक सम ऑफ अस हैव हार्ट अरिदमिया प्रॉब्लम सो सबकी हार्ट बीट सेम सी जाती है एंड उनकी थोड़ी सी डिफरेंट जाती है जिसके वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं आगे जाके लाइक like, ये जैसे एक फिगर है इसमें अलग अलग इस फोटो में अलग अलग फिगर्स हैं दैट इज रैटिक जैसे ये एक

इनकॉन्स्टेंट कैप्रेसियस का मतलब होता है वेन आई एम टॉकिन अबाउट नेचर ओके कोई भी इंसान है जो एकदम से खुश हो जा रहा है कभी भी रोने लग पड़ रहा है कभी भी यू you नो know, तो फिर सडन चेंज इन मूड बोल सकते हैं कैप्रेसिय का मतलब एंड इनकॉन्स्टेंट मतलब जो कि कॉन्स्टेंट ना हो एंड एंटॉनिस आ जाएगा इसका उल्टा आ जाएगा कंसिस्टेंट अनचेंजिंग कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं हो रही है कंसिस्टेंट है लाइक like हमारी अर्थ का जो रूट है सन के रोटेशन वाला कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग है इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते सिंगर गेव एन परफॉर्मेंस लाइक जो सिंगर था जो यूजुअल परफॉर्मेंस देता था उसे चेंज दी अब अच्छी है बुरी है वो अलग बात है सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर सेशन सो आई होप यू एंजॉय डेट आपको समझ आया होगा अगर आपकी कोई भी क्वायरी है तो नीचे आप कमेंट करिएगा विल मेक श्योर हम आपको रीच करें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू